अब तो कुछ शर्म करो ना, अब तो घर से काम करो ना, अब तो बाहर जाना कम करो ना, और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग करो ना। Hey guys, what's up? I hope you guys are doing absolutely fine. और ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो अभी भी नहीं सुधरे हैं, और अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी गुड विच हैज़ हैपेंड कि 21 दिन का लॉकडाउन हो गया। 21 दिन के लॉकडाउन में पीपल गॉट पैनिक्ड यस्टरडे, और उसके बाद भी सही सभी लोगों ने भीड़ लगा दी मार्केट्स में। बढ़िया, समझो पॉजिटिव पॉइंट, समझो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, बट आपको बस एक प्रायोरिटाइजेशन बनानी है। आई एम लकी इनफ दैट आई हैव सो मेनी गुड थिंग्स अराउंड मी। मेरे पास मेरा जिम है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, आई हैव अ सेटअप एट होम एंड एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लाइक गुड टू मी। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा मन तो बहुत करता है कि ये भाई पीछे जो मेरे पड़ी हुई है इसको चलाऊं, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं जा सकता। एंड आई गेस यू गाइस शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, ये हमारी भलाई के लिए है भैया। अगर अभी हम एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट, तभी जाके कोरोना वायरस जैसी महामारी के साथ लड़ सकेंगे। तो अब भाई देखो, मेरा तो टारगेट बिल्कुल सेट है, 21 दिन सेहत पे काम करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपना वजन गिरा सकूं। राइट नाउ आई विल शो यू मेरा वजन। मेरा वजन है 98.7। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 4 से 5 किलो कुछ वजन गिरा पाऊँ, और देखते हैं कितना कामयाब हो सकते हैं। घर पे बैठा हूँ तो घर का खाऊंगा, तो जंक फूड भी बंद हो गया, एंड उसके साथ साथ कोशिश करूंगा कि ट्रेडमिल, साइकिल और फुल जिम का प्रयोग करूं और इस्तेमाल करूं, कोशिश करूं अपने पापा के साथ साथ मैं भी मोटिवेट हो सकूं, बिकॉज ही इज़ मोर एनर्जेटिक, आई थिंक ही इज़ मोर एनर्जेटिक देन मी। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा ही खेद हो रहा है कि ये 21 दिन, मुझे लगता नहीं सिर्फ 21 दिन होंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। रीज़न बीइंग, मैं अभी भी लोगों को देखता हूँ तो वो लोग बाहर घूम रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो भाई सोच लीजिए, सिर्फ आप अपने को ही नहीं बल्कि इस पूरे देश यानी कि पूरे हमारे इंडिया को ही मुसीबत में डाल रहे हैं। 21 दिन का लॉकडाउन कुछ सोच समझ के ही करा गया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न बिहाइंड दैट, तो प्लीज़ उसे रिस्पेक्ट दीजिए। 21 दिन तक अपने घर में बैठे रहिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं 21 दिनों में, बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर आप अच्छे डिसीजन लेंगे तभी जाके हम इस कोरोना वायरस को हटा पाएंगे। देखो भाई, संसार में आज की डेट में ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, एंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये पूरे 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 वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और इस चीज़ से जूझने के लिए लॉकडाउन इज जस्ट अ ऑर्डिनेट, लेकिन इससे हम बहुत कुछ चीज़ों पर फाइट आउट कर सकते हैं। रीजन बींग, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, वी डोंट हैव द प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल ऑफ दैम एट द सेम टाइम। तो भैया समझ लीजिए, अगर कोरोना वायरस किसी ऐसे इंसान को होता है जो कि जाके अपना टेस्ट नहीं करा सकता या टेस्ट कराने में सक्षम नहीं हो पाता, और वो 10 लोगों को और मिलता है, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। कैन स्प्रेड आउट, टू फेज 3 को हमें बचाना है, रोकना है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर पे बने रहिए, घर पे रहिए, और जितना हो सके घर से काम कीजिए। आई एम डूइंग माई पार्ट, यू गाइज ऑल्सो डू योर पार्ट। आई कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड बी सेफ। एंड मैं गुजारिश करूँगा अपने जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं, यानी कि यूट्यूब में जितने और लोग हैं, प्लीज़ आइए, गैदर आउट होजिए और एक छोटी सी वीडियो बनाइए जिस पे कि आप बता सके कि जितने ज़्यादा हम लोग अंदर अपने घर में रहेंगे, वी विल बी सेफ। नोबडी इज सेफ इफ यू गो आउट। एक घर ही है जहाँ पे आप अपने आप को या तो आइसोलेट करके सेफ बना सकते हैं या दूसरों को सेफ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी है। तो प्लीज़ बी सेफ। मैं नीचे यहाँ पे टैग कर रहा हूँ उन लोगों को जिनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो बनाइए इस चीज़ पे। आई सी यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमें क्या क्या करना चाहिए 21 दिनों में। हाउ कैन वी डू प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव थिंग्स। आई सी यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। एक नंबर। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, चाय पी रहे हैं। अबे हमने पूछे क्या चल रहा है, तुम्हें बोलना चाहिए कोरोना वायरस चल रहा है। आजकल फॉग वाला जमाना गया। तो आप कहाँ चल रहा है? कोरोना चल रहा है भैया, कोरोना। तो तुम भी कुछ काम करो ना, घर में रहो ना और खाना खाओ ना। नहीं कर रहे भैया, घर पे रह के यही हो रहा है, मम्मी एक ही काम कह रही है। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? कुछ
इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में बातचीत करनी है तो भैया व्हाट्सएप है ना और बहुत सारे और मीडिया है ना, उनका प्रयोग करो, उनका इस्तेमाल करो, आज की डेट में सब कुछ करो, बट कोरोना ना करो, घर में रो 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 रो, अपना अपनों का ख्याल रखो।